का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। थाना जाम पुलिस के SHO ने जुल्म की इंतहा कर दी। नामालूम मुकदमे में 2 शरीफ शहरियों को मुलविस करके 16 लाख रुपए ले लिए। मुतासरीन का RPO DG खान के ऑफिस के बाहर SHO जामपुर के खिलाफ एहतजाज। थाना जामपुर के SHO आबिद शरीफ ने 35 साल सऊदी प्लेट खलील अहमद को घर वापस आने पर भाई एजाज समेत अगवा कर लिया और इसको नामालूम मकाम पर अपने टीचर सेल में रखकर इसके बेटे से 30 लाख की डिमांड की। 16 लाख लेने के बाद कहा कि मैं आपके वालिद को रिहा कर दूंगा। सारे इकट्ठे बैठे हैं और सर अल्लाह बख्श दे रहना बाहर लगा गया है। मेरे चाचू को हबीब खान SI उन्हें दे बणवी है वो सर उन्हें देता है तूने गले चबा के सर उन्हें को थाने के इनके और थाने के अंदर सर उन्हें को जो रहना बिलाई बैठ रहा है त्रे जड़े FIR कहने कटी साहब को मुतालबा की तेने भी 3 लाख रुपये दे दियो। अगर 3 लाख नहीं वे देने तो थोड़े उतर ऐसा मुकदमे पा रहे सूँ तेल चोरी देवे सर उन्हें को FIR है ना मालूम है नामजद की तेने सर उन्हें डिमांड की है त्रे जड़े बगैर FIR दे बिला के 15 लाख रुपया 16 लाख रुपया सर। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी को बताया तो मैं आप लोगों को जिला के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात करवा कर पुलिस मुकाबले में मार दूंगा। मुतासरीन ने RPO DG खान के ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे मुकदमे की इंक्वायरी की जाए और करप्ट SHO आबिद शरीफ से हमारे 16 लाख रुपए वापस दिलाए जाए। सबको इंसाफ दो सर निके निके बाल मेरी भाभी बहू बीमार है सास है को बर्दाश्त नहीं कर सकी बहू बीमार है मैं हूँ भेड़ हाँ वही मेरा भिरा है छोटा मेरे को मेहरबानी करो सबको इंसाफ दो।